अज अपने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दिशा निर्देशों के उत्ते साढ़े को दो दिन पहला ही शिकायत आई हैं कि मतलब जी गुलाबी सुंडी है नरमे से वह वार शुरू हो गया। सो अज असी सारे पंजाब दे जिहड़े 6 जिले है कॉटन वाले उन्होंने 37 टीम जड़िया लाइया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द सारे अधिकारी साडे डायरैक्टर साडे प्रिंसीपल सैकटरी साडे जॉइंट डायरैक्टर जिन्ना भी साडे महकमे के जिने भी अधिकारी ने सारिआं नूं ये जिहड़े 6 जिले आ जिथे साडे किसान भरा नरमे की फसल जिहड़ी बीजदे आ नरमे दे इस गुलाबी सुंडी ते वाइट जिहड़ा हुणे ही तुसीं दिखाया कि चिट्टा मच्छर जिहड़ा वो जिहड़ा बहुत ज़्यादा आ गया उहदे बचाव वास्ते पराले जिहड़े शुरू कीते आ तां ही मैं खुद अज मतलब आया इस पिंड दे विच पहलां भी मतलब अगे भी मतलब जिहड़ा हमला हो चुका कदी किसे मक्खी का हो जाता कदी किसे मक्खी का हो जाता। सो असी मान साहब की सरकार का उपराला के पंजाब के जिन्हें भी ये नरमा बैल्ट वाले लोग ने नरमा खेती करते हैं किसी की भी खेती को खराब नहीं होने देना हर संभव कोशिश करनी है जिहड़ियां कुदरती आफतां होंदियां उहदे गाड़ी कई बार बेबस हो जाईदा बट सरकार जिहड़ी है किसानां दे नाल चट्टान की तरह खड़ी है। मान साहब की सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दूगी हर हीला करांगे सारे अफसर इत्थे बैणगे जिन्ना चिर तक नरमे की फसल तैयार हो के मंडी च नहीं आ जाती असी नरमा बचाउण लई हर हीला करांगे क्योंकि किसान पहलां ही बहुत दुखी है पंजाब के किसान की पहलां ही बहुत माड़ी हालत है। मैं खुद एक 5 किले वाला मालिक है एक साधारण किसान का पुत है मैनू पता है कि छोटा किसान चाहे बड़ा किसान जे उहदी फसल कितने कुदरती आफत दे विच खराब हो जाती है उहदे नाल की कुछ बीतदा है वो किन्ना नुकसान हो जाता वह बेचारे का घर का किन्ना नुकसान हो जाता। सो मैं इसे करके आया अपने किसान भरावान विश्वास दवा आया कि सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ताडे नाल चट्टान की तरह खड़ी है और असी ताडा नुकसान नहीं हो देंगे। मैं देखना हाँ इत्थे भी होर पिंडां दे विच भी जाना खुद देख के मान साहब नूं सीएम साहब नूं जिहड़ी रिपोर्ट देनी। फिलहाल की लेवल है तालीवाल साहब जिहड़ा पीली सुंडी दी गल कर रहे हो पिंक वाला नहीं गला अधिकारी लगे आ 1:30 बजे सारियां टीमां 37 दियां 37 टीमां जिहड़ियां बठिंडे च इकट्ठियां हो जाणगियां सब आके रिपोर्ट देणगे कि कित्थे कित्थे की प्रॉब्लम है उहदे हिसाब नाल असीं अपनी रणनीति बणावांगे कि इहदे नाल किद्दां मतलब जिहड़ा फाइट करना। सो 1:30 बजे मैं तुहानूं दस्सूंगा कि की ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ एक एक पौधे के उत्ते सैकड़े मतलब वाइट फ्लाई जी है वो सैकड़े वो मतलब चीज़ा जीडिया दिस रही। सो बहुत बहुत बुरी हालत है असी असी 1:30 बजे तुहानू दसांगे साडिया लुधियाना यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर साहब भी आए हैं साडे अपने माहर खेतीबाड़ी माहर सारे आए हैं असी 1:30 बजे तुहानू दसांगे कि इहदा क्यों किसान कहते हैं कि नकली बीज जिहड़ियां नकली दवाइया उन्हां दा बहुत भरमार है इसे करके सानू जिहड़ी वड्डी समस्या आई हुई है इहनूं कोई रोकथाम नहीं हो रही। सर इसे करके आए हैं विक गया जो कोई नकली माल विकना ही इन्हां इलाकियां दे विच हुण भगवंत सिंह मान की सरकार ना नकली दवाइया वेचण दूगी ना नकली बीज वेचण दे ना कोई जिप्सम ना कोई खाद हर चीज़ ते कंट्रोल करांगे बस थोड़ा टाइम चाहिए।